लेट्स गो विक्टर एंड शैडो बीक। इसका एक अटैक है जिससे मेरे को एकदम बच कर रखना है अपने आप को भी अपने और पैल्स को भी। ओ भाई ये क्या है, 2 लाख हेल्थ है इसका तो भाई साहब। हेलो वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग खेले जा रहे पैल वर्ल्ड वापस से। तुमने नोटिस किया होगा कि अभी मैं करेंटली लेवल 46 का हो गया हूँ, एंड ये मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा ग्राइंडिंग करी है एंड मैंने इसका एक मॉन्टाज भी बनाया है। बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं तुमको मॉन्टाज दिखा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैंने कुछ बॉस फाइट करे हैं जिनको मैंने ऑलरेडी हरा दिया था एंड मैंने लेवल 46 तक ग्राइंड किया। मैं तुम्हें बस वही बॉस फाइट दिखाने वाला हूँ जिसमें मेरा लेवल अप हुआ है, क्योंकि अगर मैं सारे तुम लोग को दिखाऊंगा तो वो कई घंटों का क्लिप बनेगा, कई घंटों का, मजाक से हटके, क्योंकि बहुत टाइम लगा मेरे को खुद को इस पूरे के पूरे सफर में लेवल 40 मैं कितना था लेवल 42 से 46 तक आने में, मेरे को लेजेंड में 4 दिन से ग्राइंड कर रहा हूँ तब जाके मैं पहुँचा हूँ इस लेवल पे। एंड क्लिप को अगर मैं थोड़ा बहुत काट कूट के भी प्रेजेंट करूँगा तो वो कई घंटों का क्लिप होएगा। इसीलिए मैं तुम लोग को बस वही फाइट दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं खुद का मेरा लेवल अप हुआ है, तो वही सब है। तुम लोग मॉन्टाज एंजॉय करो। मॉन्टाज तो यहाँ हो गया है खत्म, और अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। बेसिकली ज्यादा चेंज ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने अपने आप को बेसिकली BGMI प्लेयर बना दिया। तुम देख पा रहे हो कि मेरे पीछे 2 टो असॉल्ट राइफल लगे हुए हैं, एक लेवल 3 का बैकपैक है बेसिकली, तो मैंने 2 टो असॉल्ट राइफल बनाए। मैंने अपने पंप शॉटगन को बेच दिया है क्योंकि उसमें क्या था ना, बेसिकली उसका ड्यूरेबिलिटी एकदम कचड़ा ड्यूरेबिलिटी था, तो मैं इसको बेच दिया एंड मैंने असॉल्ट राइफल बना लिया है, ठीक है, असॉल्ट राइफल। एंड मैंने कई सारे असॉल्ट राइफल एमो खरीदे, 7800 मजाक से अटके, क्योंकि इसमें से ना ये जो गन है मक्खन की तरह, मतलब पानी की तरह एमो बहाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एमो खरीदना पड़ा है मेरे को। एंड मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फर्नेस लगाए एंड यहाँ पे मैंने पैल मेटल इंगोट का ऑर्डर लगा दिया गाइस, ठीक है। यहाँ पे केक होके तैयार है, ऑनेस्टली केक भी बनवाया था मैं। और यहाँ पे तुम देख पा रहे होगी इधर पे भी कई सारे मैंने पैल्डियम फ्रैगमेंट का ऑर्डर लगाया बेसिकली, क्योंकि मेरे को उसमें क्या नाम है पैल मेटल इंगोट में पैल्डियम फ्रैगमेंट लगता है बेसिकली, तो इसलिए। एंड अभी पहले एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे हाइपर शील्ड बनाया था अपने लिए जो कि बहुत ही तगड़ा है, ओपी है, ऑनेस्टली एकदम ओपी है।
और एक काम करते हैं, अभी सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए इन पैरामेटल आर्मर का बनाना हम लोग शुरू करते हैं इन सबको। बेसिकली हम लोग को पैरामेटल इंगोट और पैलियम फ्रैगमेंट ढेर सारा चाहिए होगा, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से पैलियम पैरामेटल इंगोट को निकाल लेता हूँ, इधर अंदर रख देता हूँ। एक काम करता हूँ, हाँ यहाँ पे जगह है गाइस, डाल दो इसके अंदर। एंड वहां से थोड़ा सा मैं ये पैलियम फ्रैगमेंट मैं उठा लेता हूँ। ऑलरेडी पैलियम फ्रैगमेंट आ तो गया अपने पे बहुत सारा। एंड अभी एक काम करते हैं, वार्डरोब में डाल देते हैं इसको एक एक करके, इसी के अंदर रख दो भाई साहब। कहाँ रखे कहाँ रखे कहाँ रखे, जगह ही नहीं है। नहीं इसको रखो, इसको हटाओ, हाँ कॉमन शील्ड को पीछे कर दे रहा हूँ मैं। कहीं पीछे जगह है इसको रखने का, नहीं लग तो नहीं रहा है। इसके पीछे रख दो भाई साहब। एंड ओके वेट सेकंड, मेरे पे ट्रेनिंग मैनुअल है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, बचा के रखा था मैंने काफ़ी। ट्रेनिंग मैनुअल किस पे यूज़ किया जाए, सारे तो 47 के ही है। बजरंग बली के ऊपर यूज़ करते, एक काम करते ठीक है। बजरंग बली का हम लोग ने लेवल अप थोड़ा बहुत करने का कोशिश किया। वेल अभी क्योंकि मैं 46 का हो चुका हूँ, मेरे पे सारा माल पानी है, तो एक काम करते फटाफट से आर्मर को बनाते हैं गाइस ठीक है। कहाँ गया ये पैरामेटल आर्मर, ये बनेगा गाइस मेरा अनुबिस, आ जा बाहर बना दे प्लीज़, फटाफट से बना दे इसको, देखते दिखने में कैसा लगता है इसको पहनने के बाद ठीक है। ऑल राइट भाई साहब 40 किलो का है वेट है भाई साहब इसका पूरा, तो ओके गाइस ये कितना सही लग रहा है पहनने के बाद, नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है, आयरन मैन जैसा फीलिंग आ रहा है मेरे को, पूरा आयरन मैन लग रहा हूँ मैं तो, सही है। और अभी एक काम करते इस पैल मेटल हेलम को भी बनाते गाइस ठीक है, बना दो भाई जल्दी मेरे लिए ठीक है। एंड हमने लेजेंडरी स्फीयर को भी अनलॉक किया गाइस, लेजेंडरी स्फीयर देखते कितना बन रहा है इसमें, 28 बन रहा है, इसको बना देते गाइस। एक काम करते इसको बुलाओ, अनुबिस को इधर डाल दे रहा हूँ मैं, अनुबिस प्लीज बना दे भाई के लिए अपने, इसको ले लो पैल मेटल हेलम। ओके गाइस कितना सही लग रहा है अपना कैरेक्टर, कमेंट करके बताओ कितना अच्छा लग रहा है तुम लोग को, 10 में कितना रेटिंग दोगे तुम इसको। फुल आयरन मैन वाला फीलिंग आ रहा है करेंटली मेरे को, ऐसा लग रहा है कोई मेरे को हरा ही नहीं सकता। ऑब्वियसली अगर मैं किसी से फाइट लूंगा तो मेरे को पीट देगा, तुम समझ रहे हो मैं किसका बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किससे फाइट लेने का सोच रहा हूँ मैं, यू नो। एंड भाई साहब ये लेजेंडरी फिर कितना टाइम लेता है बनने में, बहुत स्लो है यार इसको बनाना तो। खैर वेल अभी और क्या बचा है बनाना मेरे लिए, आर्मर वगैरह तो हो गया आई गेस, हाँ आर्मर तो बन गया है गाइस पूरी तरीके से। एंड असॉल्ट राइफल वगैरह स्वॉर्ड मैंने बनाया था ठीक है, हाइपर शील्ड बनाया मैं, प्रोडक्शन असेंबली लाइन वगैरह बना दिया हूँ। एक काम करते गाइस यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि मैंने लेवल अप तो कर दिया अपना, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन दोनों टावर बॉसेस को पछाड़ने वाला हूँ, बेसिकली मेरा प्लान है इन सबको हराने का अब ठीक है। तो अब एक काम करते ये एक बार लेजेंडरी स्फीयर बन जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे क्या नाम है बॉस फाइट करने ठीक है, इन दोनों टावर्स में देखते कैसा जाता है फाइट, मजा आएगा आई एम श्योर। तो मिलते तुम लोग से सीधा बॉस टावर के सामने ठीक है, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस मैंने अपना इन्वेंट्री पूरी तरीके से मैनेज कर लिया है, एंड अभी एक काम करते हम लोग चलते सीधा टावर बॉसेस के पास। मैंने अपना पुराना वाला आर्मर बेच दिया है ठीक है, काम नहीं था मेरे को तो मैं उसको बेच दिया, मेरे को थोड़ा धन मिल गया उल्टा। अभी पहले एक काम करते इस डेजर्ट वाले पे चलते हैं ठीक है, यहाँ फाइट लेते एक काम करते हैं, मेरे को अपना टॉर्च से हटाना होगा ताकि ज़्यादा मामला पानी गर्म ना हो। एंड हाँ मैंने इसको इधर सेट कर दो, बढ़िया अल्ट्रा स्फीयर पे सेट किया हुआ है, लेजेंडरी स्फीयर मैंने रख दिया, हाइपर स्फीयर मैंने घर पर डाल दिया, मैंने उसको भी बेच दिया बेसिकली। हाइपर स्फीयर रख के मैं क्या करूँगा मेरा यही एक सवाल है, अब मेरे को देखना इसके अंदर कौन सा पैल मिलेगा। बेसिकली आई गेस कोई फायर टाइप पैल ही होगा, होना तो चाहिए फायर टाइप। ओके ये कौन है, सारे PIDF वाले आए यहाँ पे तो, ओके नाम ही था PIDF, टावर ऑफ द PIDF, ओके क्या हाल है भाई कैसा है, इतना डिप्रेशन में क्यों है तू, क्या कर रहा है ये, ओ भाई पैसा ही पैसा भाई, इतना पैसा मेरे को भी चाहिए भाई, YouTube मेरे को मेरा पैसा दो प्लीज। फलेरिस गाइस फायर टाइप है ये, ओके मेरे पे जॉर्मनटाइड है भाई, मैं जॉर्मनटाइड लाया हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है, रखता तो मैं अपने टीम में हर बार ये एक जॉर्मनटाइड। मार्कस एंड फलेरिस, ओके गाइस फाइट लेते हैं इससे, जा भाई जर्मन टाइट फाइट ऐसे ओहो क्या भाई, मक्खन एकदम ओहो भाई मक्खन डैमेज दे रहा है पूरा, बढ़िया एकदम बढ़िया ओहो हो ये भी ले हेड पे हेड मारूंगा शायद बचा लेगा हेड उसको मैंने। ऑल राइट गाइस ये ले सब ले भाई, हेड पे हेड मारूंगा मैं तो, हेड पे हेड मार रहा हूँ मैं, ओके
अच्छा डैमेज दे भाई तू इसको, डैमेज दे भयंकर डैमेज दे इसको, समझ रहा है? ओके गैराडोस का हेल्थ सही नहीं लग रहा है मेरे को आई गेस. दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड ऑनेस्टली. लेकिन मे भी और भी सब्सटीट्यूट है ऑनेस्टली, कोई इशू नहीं है. अगर मेरा गैराडोस को कुछ हो भी जाता है तो मरने बस नहीं देना है इसको, समझे ना, मरने नहीं देना है बस इसको. बढ़िया 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 बढ़िया, जॉर्ड गेम प्ले, जॉर्ड गेम प्ले पूरी तरीके से. ओके 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 ये ले भाई, ये ले, ये भी ले, सब ले, ये ले भाई, सब ले सब ले सब ले सब ले सब ले. रुक जा, ठीक है, एक मिनट शांति से सबर कर ले, एक मिनट शांति से सबर कर ले, ठीक है ना. उड़ा दे पूरी तरीके से भाई साहब, उड़ा दे पूरी तरीके से इसको. आधा हेल्थ से नीचे ले आए इसको, आधा से कम टाइम में. बढ़िया कि गैराडोस रेजिस्ट कर रहा है पूरी तरीके से इसका अटैक्स को. बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ये ले 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 भाई साहब, ये ले भाई साहब. ओके मैं सारे अटैक्स इसके रजिस्ट कर ले रहा हूँ और गैराडोस भी कर ले रहा है. ओके शिट, ये ले, ये भी ले, हजारों में डैमेज दे रहा है जर्मन टाइड इसको, मजाक से हटके. बढ़िया ये ले, ये ले, ये भी ले. बचा लो भाई, ये अटैक बहुत खतरनाक है जर्मन टाइड के लिए, तो बहुत खतरनाक है. इतना आसान नहीं है मेरे को मारना, देखो क्या लगा, आराम से मार लेगी तू मेरे को इतना आसानी से. हाँ नहीं तो नोबड़े मर जा तू, देख दिमाग खराब ना कर, चुपचाप मर जा. बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गैराडोस. वाटर वो बबल वाला अटैक कर उसके ऊपर, वाटर बबल अटैक कर, खत्म. इजी भाई, इजी इजी इजी, बॉट था ये, बॉट ब्रो इज बॉट. खैर हो गया खत्म यहाँ पे सब कुछ, रिलोड कर लो एक बार इसको. ऑल राइट बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसको क्लेम कर लो. कितना एमओ बचा है? ओके हम लोग के पास अभी 7000 एमओ समवर्ड बचा है. तो बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि एमओ भयंकर लगता है, तो तुम लोग समझ ही गए होगे कितना एमओ लगता है, कितना सीरियस है ये मामला पानी. असॉल्ट राइफल है तो मतलब एमओ पूरा चूस जाएगा. वेट अ सेकंड, मैं नीचे क्यों आया? मैं तो ऊपर से भी टेलीपोर्टर यूज कर ही सकता था. खैर पता नहीं मुझे, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा थोड़ा सा. इधर पे शायद से होगा टेलीपोर्टर, लेट्स गो. अभी एक थो बचा है बस, टावर बॉस, एक ही टावर बॉस बचा है ऑनेस्टली, बस ये वाला टावर ऑफ द पैल जेनेटिक रिसर्च यूनिट. ठीक है, इतना भी बेकार नाम नहीं है कंपैरेटिवली वो मार्टायर बदर वालों से, तो इतना भी बेकार नहीं है. वेल अभी मेरे को बस एक चीज़ का चिंता है, मेरे को देखना कि क्या मैं इसको हरा पाऊंगा या नहीं. ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई तो कर ही सकते हैं. देखो इसमें मेरे को इतना मालूम है, इसमें मिलता है एक शैडो बीक. ठीक है, मेरे को इतना मालूम है, इतना भी नूबड़ा नहीं हो मेरे को इसका पता है. इसमें मिलता है शैडो बीक एंड ये सबसे स्ट्रांग वाला है. ठीक है, सबसे स्ट्रांग वाला टावर यही है. तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि शैडो बीक है एक डार्क टाइप. ठीक है, एंड डार्क के खिलाफ अच्छा होता है ड्रैगन. मेरे पे ड्रैगन तो कई सारे हैं, बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ वो मरेंगे नहीं. ठीक है, मैं बस चाहता हूँ कि वो मरे ना. ड्रैगन में भी दो ही टो है ऑनेस्टली, ज़्यादा नहीं है, दो ही टो है. ट्राई करते एक बार, देखते क्या कैसा जाता है. वेल आई गेस जर्मन टाइड का हेल्थ अभी फुल नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, एक बार जर्मन टाइड का हेल्थ फुल हो जाएगा उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर फाइट करने. ठीक है, ऑल राइट गाइस, हम लोग का जर्मन टाइड पूरी तरीके से रीजनरेट कर दिया है, कर गया है, कर गया है, पता नहीं हो गया है बेसिकली. हाँ अब एक काम करते हैं, शुरू करते हैं इस फाइट को. ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल टेंस, क्योंकि यहाँ पे जो ये आई मीन शैडो वीक है, ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल है. तो एक काम करते हैं, चलते हैं भगवान जी का नाम लेके, जय श्री राम, लेट्स गो. कैसा जाएगा फाइट पता नहीं, देखते हैं क्या होता है. शैडो बी का एक अटैक है जिससे मेरे को एकदम बच के रहना है, ये है गोजो सातोरू. बेसिकली जुजुत्सु काइसन फैंस लाइक करो वीडियो को बेसिकली. और अब ये निकालेगा अपना डार्क टाइप पैल, यूज कर भाई,
जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर भाई साहब, वन पंच मैन वाला स्ट्रेंथ दिखा रहा है, स्ट्रेंथ का शो ऑफ कर रही है बंदा। आ गया शैडो बीक यहाँ पे, लेट्स गो विक्टर एंड शैडो बीक। इसका एक अटैक है जिससे मेरे को एकदम बच कर रखना है, अपने आप को भी अपने और पैल्स को भी। ओ भाई ये क्या है, 2 लाख हेल्थ है इसका तो भाई साहब, 2 लाख हेल्थ भाई साहब, भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है गाइस ये तो। ओके बुलाओ बुलाओ इसको, 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 बुलाओ। नाइस, बच गया, बच गया मैं, बच गया मैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये क्या है, ये क्या बंदा है, ये कैसा बंदा है भाई ये। ओके शिट, ओके भाई साहब बहुत ज्यादा ही ओवर पावर्ड फाइट आ रहा है, पछाड़ देगा भाई ये मेरे को, पछाड़ देगा, लग तो नहीं रहा जीत पाऊंगा मैं इससे। ओ शेट, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसा अटैक है भाई, ये कैसा अटैक है भाई। ओ हेल नो भाई, ओ हेल नो, मेरे को अच्छा ड्रैगन टाइप पैल चाहिए था इस फाइट के लिए, अच्छा ड्रैगन टाइप पैल, मजाक से हटके, जो मेरे पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, एक अच्छा ड्रैगन टाइप पैल जिसके पास सारे ड्रैगन टाइप मूव्स हो। आई गेस एस्टिगोन कर लेगा, आई गेस एस्टिगोन कर लेगा, मेरे को जैसे लग रहा है एस्टिगोन पॉसिबल है। ओके शिट, नहीं नहीं नहीं, ये क्या था, ये क्या था भाई, ये क्या था भाई, ये क्या था? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड है भाई, ओवर पावर्ड है भाई, तो ओवर पावर्ड है पूरा। ओ शिट भाई, लॉक ऑन लेजर यूज कर रहे, तो लॉक ऑन लेजर यूज कर रहा, नहीं नहीं लॉक ऑन लेजर नहीं है। ओ शिट भाई, ओ शिट, इसका डैमेज पॉइंट कहाँ पे, इसको डैमेज कहाँ पड़ता है, नीचे में, नीचे में पड़ता है क्या, इसका दुम पे पड़ता है इसका डैमेज, पता नहीं गाइस, लग तो नहीं रहा है, इसके मुंडी पे ही पड़ता होगा। मेरे को बच के रहना, अपने आप को बचा के रखना है मेरे को एनी हाउ, ठीक है ना। 2 मिनट हो गए, हम लोग ने इसको एक खरोच तक नहीं दिया है, होगा नहीं, आई डोंट थिंक सो गाइस, 46 इज नॉट गुड फॉर दिस पैल, मेरे को एक अच्छा पैल चाहिए होगा। गाइस मैंने अनुबिस को भेजा है, मेरे को देखना है अनुबिस कितना डैमेज देता है इसको। ओके अनुबिस थोड़ा डैमेज, ओ शिट मार दिया इसने मेरे को। गाइस ये बहुत पावरफुल है गाइस, ना 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 ना, इससे इससे फाइट लेना बेवकूफ़ी है, अभी तो इससे फाइट लेना देखो बेवकूफ़ी है गाइस, ठीक है ना। ओके अभी एक काम करते हैं, फटैक से एक छोटा सा आर्मर बना के वहाँ चलते हैं, फटैक से अपना सामान रिकलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक तो कोल्ड आर्मर बस बना ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कोल्ड आर्मर बनाता हूँ मैं बस, टुंड्रा आउटफिट बढ़िया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल जाएगा कोल्ड के खिलाफ मेरे को, बढ़िया बात है। चलते हैं अभी फटैक से उधर, यहाँ पे यहीं पे मरा था मैं, यस सामान उठा लेते, एक काम करते हैं आप फटैक से। ऑल राइट मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मेरा सामान होगा। ओके मेरे पे ग्लाइडर वगैरह कुछ नहीं है यार अनफॉर्चुनेटली, एक दो लेवल रुकना बेटर रहेगा अभी, क्योंकि मेरे पे इतने अच्छे पैल्स नहीं है, एक इतना अच्छा ड्रैगन टाइप मेरे पे नहीं है कि मैं इजीली कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ इसको, तो मेरे को थोड़ा सब्र रखना होगा बेसिकली अभी के लिए। एक काम करते पहले तो क्या किया जाए, बेस पे चलते हैं एक काम करते पहले, ठीक है, और इसको रखो, इसको हटाओ, चलते हैं बेस पे एक काम करते हैं, एंड थोड़ा बहुत सामान गैदर करके प्रेपरेशन शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट फाइट का, जो कि मैं इस वीडियो में ऑब्वियसली नहीं करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत प्रेपरेशन करना होगा, बट वही सब है, अभी पता नहीं कैसे जाएगा फाइट, गॉड नोस। द थिंग इज जो बॉस फाइट मैं करने का सोच रहा हूँ वो है फ्रॉस्ट स्टैलियन के साथ, ठीक है, एंड मेरा क्या प्लान है कि मैं शुरुआत का 3 से 4 अटेम्प्ट लूंगा इसको अकेले मारने का, ठीक है, मैं बिना बेस भरा इसके फाइट करने का प्लान किया हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत बार मतलब 2 से 3 बार मैं मर जाता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, तब मैं बेस बना के फाइट लूंगा, क्योंकि देखो नॉर्मली सभी कोई बेस बना के फाइट ले रहा है फ्रॉस्ट स्टैलियन से, मैंने जितने लोगों को देखा है सभी बेस बना के फाइट लिए हैं, देयर फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम वो फाइट ली तो वो सब कोई बेस बना के लिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना एक बार ट्राई करूँ। देखो मेजॉरिटी चांसेस यही है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि फ्रॉस्ट स्टैलियन अलग लेवल का पैल है, बहुत पावरफुल है फ्रॉस्ट स्टैलियन, मतलब मैंने सुना भी है उसको, उसके कारण में मैंने देखे भी तक हैं, तो ऑब्वियसली गाइस पॉसिबल तो नहीं रहेगा उसको इतना आसानी से हराना, बट द थिंग इज वी कैन ट्राई, एंड वही मैं करने का सोचा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक काम करते हैं, पहले आप मेरे को पूरी तरीके से रिपेयर कर लेते हैं, एंड एक एक करके जो चेंजेस करना है मेरे को वो सब मैं कर लेता हूँ नेक्स्ट फाइट के लिए,
पहले तो अपने असॉल्ट राइफल वगैरह को मैं रीजनरेट करवा लूँ, मतलब उसका एचपी कर लूँ फुल। पैरल मेटल इंगोट की कमी होगी गाइस, कोई इशू नहीं, बन रहा है पैरल मेटल इंगोट पूरी तरीके से। पैलियम फ्रैगमेंट कितना बना है गाइस, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ऑलमोस्ट 1000 बन चुका है गाइस, बढ़िया बात है। एंड वहाँ पे स्टोन का भी माइनिंग पूरी तेजी से चल रहा है, स्टोन को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एंड नहीं हो तो मैं थोड़ा सा और ऑर्डर दे दूंगा पैलियम फ्रैगमेंट का, क्योंकि पैलियम फ्रैगमेंट गाइस बहुत ज़्यादा लगने वाला है मजाक से हटके, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रख दो, एंड मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा बहुत और एमो खरीद लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और एमो खरीद लेता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पे सिक्के पड़े हुए हैं थोड़े से, एक काम करता हूँ, चल रहा थोड़ा एमो खरीद लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ जितना भी अच्छा अच्छा सामान है सब बेच देते हैं, यहाँ से ढूंढ ढूंढ के सब कुछ बेचेंगे। एक काम करते हैं यहाँ पे और कुछ अच्छा है, सैफायर है, एंड देन यहाँ पे कुछ और तो लगनी है, ये है गाइस, इस सबको बेच देंगे, एक काम करेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे जो सामान है ना उन सबको निकाल निकाल के एक एक करके बेच देंगे हम लोग। ऑलरेडी गाइस मैंने जो जो भी चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट करी सबको एक एक करके बेच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड जितना भी धन मिलेगा इसका यूज़ करके मैं अपने लिए कई सारे एमओ खरीद लूँगा, असॉल्ट राइफल एमओ जितना पकड़ जितना खरीद पा रहा हूँ खरीद लेता हूँ, एक काम करता हूँ। ऑल राइट, कितना है मेरे पे, 7825, नॉट बैड, बढ़िया है। एक काम करते हैं अभी यहाँ पे एक बार देखते मेरा क्या ये कंप्लीट हो गया है, नहीं ये नहीं, ये मेरे को दो टो और चाहिए गाइस, ठीक है, दो टो एफी की मेरे को और चाहिए, मेरे को एक दो लोकेशन मालूम है जहाँ मेरे को एफी की मिल सकता है, उधर मैं जाके ले लूँगा, कलेक्ट कर लूँगा एफी की। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरल मेटल इंगोट बन रहा है, एक एक करके इसको क्लेम कर लेते गाइस, ठीक है। एंड मैं वहाँ से पैलियम फ्रैगमेंट को भी उठा लेता हूँ, आई गेस कंप्लीट हो चुका होगा अभी तक पैलियम फ्रैगमेंट पूरी तरीके से, ठीक है। एक एक करके मैं सारे प्रेपरेशन कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मतलब नेक्स्ट एपिसोड में मैं बहुत बड़ा फाइट लेने वाला हूँ, बहुत बड़ा फाइट जो कि काफ़ी कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है करेंटली, ठीक है, काफ़ी कुछ डिपेंड करता है उसी चीज़ पे। तो प्रेपरेशन तो मैं फुल ऑन करके जाने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं अपने तरीके से कोई भी अपने तरफ से कोई चूक नहीं रखूँगा, प्लान तो मेरा यही है गाइस। ओके, तो एक काम करते सबको मैं अंदर रख दे रहा हूँ। ऑल राइट, अभी देखते हैं मेरे को क्या क्या बनाना है। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसा फूड सोर्स बनाऊंगा था जिसका मैं यूज़ कर सकूँ बॉस बैटल में, एंड मैं सोच रहा हूँ गाइस कि मैं यहाँ पे ऑन कैसे होता है, हाँ मैं ये जैम फिल्ड बनाऊंगा पूरी तरीके से, मैक्स 835 इसको मैं यूज़ करूँगा। अगर मेरे को बेस बना के फाइट करना पड़ा, जस्ट इन केस अगर मेरे को बेस बना के फाइट करना पड़ा तो मैं फीड बॉक्स में इसको रखूँगा ताकि वो लोग फूड मतलब खा सके। एंड एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं बेस बना के फाइट करता हूँ नेक्स्ट बारी में तो मैं एक मशीन गन टाइप का चीज़ यूज़ करने का सोच रहा हूँ, तो उस मशीन गन के मेरे को रिसोर्सेज कलेक्ट करना होगा। पहले वो मशीन गन है कहाँ, ये रहा माउंटेड मशीन गन गाइस, ठीक है, उससे अच्छा कुछ है क्या यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो, लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ है और अच्छा। ये माउंटेड मशीन गन के लिए मेरे को 30, 10 और 15 लगेगा। ओके, रिसोर्सेज तो पूरा है मेरे पास, तो कि अब मेरे को डिसाइड करना होगा कितना बनाऊंगा मैं। इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, ये बनाऊंगा मैं अगर मैं बेस बना के फाइट करता हूँ तो। मैं तो खुद तो अपना फाइट लूंगा ही, लेकिन अभी बॉस अभी मतलब जो पैल्स है उनको डायरेक्टली फाइट नहीं कराऊंगा मैं, उनको इन सब के पीछे रखूंगा ताकि वो छिप के अटैक करे, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा डैमेज ना पड़े और वो दूसरे को भयंकर डैमेज दे दे, ठीक है। और तो और ना मैं स्ट्रॉ पैल बेड ही यूज़ करूंगा, मतलब लग्जरी वाला पैल बेड नहीं बनाऊंगा, फ्लफी पैल बेड ये जो है इसको मैं यूज़ नहीं करूंगा, मैं वो स्ट्रॉ पैल बेड ही बनाऊंगा ताकि जो क्राइटेरिया बस वही फेल हो, क्योंकि मेरे को इतना मैटर नहीं करता है अपने पैल से ऑनेस्टली, मैं क्या ही कोई फ़ायदा तो है नहीं ऑनेस्टली, इसीलिए। तो एमो का तो क्राइटेरिया ये देखो फुलफिल तो नहीं हुआ, मेरे को और एमो लगेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के पहले तक आई गेस अरेंज कर लूँगा, उसका कोई इशू नहीं है। एंड मेरे को ऐसा जो अभी जो करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सब मेरे को और बनाना होगा, ठीक है, मैं दो टो और असॉल्ट राइफल बनाने का सोचा हूँ, ठीक है, दो असॉल्ट राइफल मैं और बनाऊंगा गाइस, ठीक है। और तो और मैं आई गेस और एक बार और एक ऐसा आर्मर बनाऊंगा, ये काम करते पैल मेटल आर्मर को मैं नहीं बनाता हूँ, मैं यहाँ पे कोल्ड रेजिस्टेंट मेटल आर्मर को ही बनाऊंगा। आइस ऑर्गन चाहिए होगा उसके लिए, तो आइस ऑर्गन तो कोई इशू नहीं है, मैं जाके कलेक्ट कर लूँगा। अनुबिस बना दे प्लीज़ इसको मेरे लिए, ठीक है, और ये सब तो ठीक है। एक काम करते हैं इसको हटा दो, बढ़िया, चिकी भी अपना अंडा पैदा कर, ठीक है, और यहाँ पे असॉल्ट राइफल बन रहा है पूरी तरीके से, बढ़िया बात है। और क्या करना होगा मेरे को, और क्या करना होगा, मैं वही सोच रहा हूँ क्या क्या करना है मेरे को, क्योंकि एक बार भी ना दिमाग काम करता नहीं है किसी का भी। ओके, तो गाइस मैंने फूड का इंतजाम कर दिया है, ठीक है,
मैंने डिफेंस के लिए इंतज़ाम कर लिया है, अपने ऑफेंस के लिए इंतज़ाम कर लिया है मैंने पूरी तरीके से, और तो स्फीयर्स मेरे को कई सारे बनाने होंगे, तो मैं यहाँ पे जितना स्फीयर बन रहा है इसका ऑर्डर डाल दे रहा हूँ। कितना बनेगा भाई साहब? आई गेस अच्छा बनेगा, 37 बन रहा है। बना दो यहाँ पे लेजेंडरी स्फीयर्स। अपना लुकारियो को इधर भेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है? बना दे लुकारियो प्लीज़ मेरे लिए। और तू क्या कर रहा है? बना ना इसको। मेरे पैरस का ना एक्चुअली थोड़ा सा ना ब्रेन थोड़ा कमज़ोर है, मजाक से हटके। वेल मेरे को ना अच्छे अच्छे अनुबिस बनाने होंगे अपने लिए। ये वाला जो अनुबिस सेट हुआ है मेरे पे ये तो बढ़िया वाला है, तो मेरे को और अनुबिस ब्रीड कराने पड़ेंगे। यस, ज़रूरत तो पड़ेगा मेरे को। क्या मेरे पे और अच्छा अनुबिस है ऐसा? कोई लग तो नहीं रहा गाइस। मेरे को ना ऐसा अनुबिस चाहिए जो कि काम पे अच्छा हो, वर्क बहुत अच्छा करे, बेसिकली ऐसा अनुबिस चाहिए मेरे को। ऐसा कोई अनुबिस लग तो नहीं रहा मेरे पे है। तो एक काम करते हैं, इन सब अनुबिस को मैं यूज़ करूँगा। इनमें से कुछ अनुबिस का मैं लेवल अप करवा दूंगा थोड़ा सा। ये लेवल 41 पे इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है? मैं और थोड़े हाई लेवल के अनुबिस को प्रिपेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के पहले, ताकि उनको मैं यूज़ कर सकूँ। मैं सोच रहा हूँ बेसिकली मैं 5 राइफल यूज़ करने का सोच रहा हूँ, 5 मशीन गन बेसिकली। अगर मैं यूज़ करता हूँ तो तब मैं 5 यूज़ करूँगा, एंड मेरे को 5 अनुबिस चाहिए होंगे उसके लिए, ठीक है? फूड का कमी नहीं रहेगा, 5 अनुबिस रहेंगे, बाकी के 10 जो रहेंगे वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग, बेसिकली स्ट्रॉन्ग टाइप का मैं पैल्स डिप्लॉय करूँगा अनुबिस के अलावा, ठीक है? तो मैं सोचा हूँ कि जब मैं फाइट लूँगा फ्रॉस्टलाइन से, तो मेरा टीम जो रहेगा वो बेसिकली 3 ब्लैजमोट, 1 जॉर्मेंटा डिग्नेस और 1 सुजाकू का बना रहेगा, एंड बाकी के मैं डिप्लॉय कर दूंगा अलग अलग टाइप के पैल्स, जो कि मैंने अभी करेंटली सोचा नहीं है उनके बारे में, लेकिन करना तो पड़ेगा गाइस आई गेस। मैंने 2 असॉल्ट राइफल प्रिपेयर्ड रखा है एनी टाइम, ठीक है? अपने इसके अंदर यहाँ पे 1 स्वॉर्ड है मेरे पे, और ये कोल्ड रेजिस्टेंट रिफाइंड मेटल आर्मर है मेरे पे। ओके ऑल राइट गाइस, मैं अभी सोच रहा हूँ, यहाँ सारा प्रेपरेशन तो चल रहा है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है कि क्यों ना मैं इन ब्लैजमोट को, मेरे पास 2 एक फीमेल और 1 मेल ब्लैजमोट है, इनका मैं धड़ाधड़ ब्रीडिंग शुरू करा रहा हूँ, एंड मैं कई सारे ब्लेजमोट्स को लेवल अप करा के प्रिपेयर रखना चाह रहा हूँ नेक्स्ट फाइट के लिए। हो सकता है मेरे को अगर पैल बॉक्स लगे तो मैं ढेर सारे ब्लैजमोट्स को ही डिप्लॉय करने का सोचा हूँ, एंड मेरे को उनका लेवल अप भी कराना होगा, जो कि थोड़ा दर्द है ऑनेस्टली, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझे इतना मालूम है मैं कर लूँगा। तो एक काम करता हूँ पहले, मेरे पे ऑनेस्टली और थे, मेरे पे और ब्लैजमोट्स थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे सारे ब्लैजमोट गए कहाँ पे? मेरे पास परफेक्ट ब्लैजमोट भी थे। ऑल राइट गाइस, मेरे पे यहाँ पे 2 और परफेक्ट ब्लैजमोट्स हैं, जिनको मैं ऐसे छोड़ दे रहा हूँ ऐसे टेस्ट, लेकिन जो नीचे 2 और ब्लैजमोट मैंने डिप्लॉय करके रखे हैं, इनका मैं ब्रीडिंग कराऊंगा। जितने ज़्यादा ब्लैजमोट हो पाएंगे मैं उन सबको प्रिपेयर करूंगा, उन सबका लेवल अप करूंगा, आई गेस लेवल 45 तक ही उनको लेके जाऊंगा, उसके ऊपर लेके नहीं जाऊंगा मैं, एंड देन उनका मैं यूज़ करूंगा फाइट में बेसिकली, ठीक है? तो अभी एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके इन सारे ब्लैजमोट्स को डिप्लॉय कर दूंगा ब्रीडिंग में, एंड केक मेरे पे होगा कई सारा, केक मैं सारा एक एक करके डाल दे रहा हूँ उधर पे। इन दोनों का ब्रीडिंग के लिए तो मैंने लगा दिया इन दोनों को। ओके, तो मेरे को अब खाली केक लाना होगा गाइस। केक यहाँ पे था 100 इन केक्स को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? इन केक को मैं यूज़ करूँगा सारे के सारे, 100 के 100 केक में डाल दे रहा हूँ अभी ब्रीडिंग में, कि ढेर सारे ब्लैजमोट मेरे को लगने वाले हैं। और फ्रॉस्टैलिन के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आइस फायर टाइप ही हैं इस गेम में जो कि अच्छे हैं, सिर्फ फायर टाइप, क्योंकि फाइटिंग टाइप तो फाइटिंग रॉक और स्टील टाइप तो इस गेम में है ही नहीं। ऑलराइट गाइस, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये क्या हो गया, लोग काम क्यों कर, काम क्यों नहीं कर रहे? ओ भाई, कितना और ये लोग बना लेता है इतनी जल्दी वो भी। ओ भाई साहब, बढ़िया है तो एक काम करते, थोड़ा सा इधर आते हैं। ये क्या है भाई, फायर स्किल, फायर बॉल। ओके, फायर बॉल तो मेरे पे ऑलरेडी है। मैं काम को तो मैं मॉल्ट्रेस को सिखा लेता हूँ ये स्किल, ठीक है? मॉल्ट्रेस 50 का फ्लेम एरो को हटाओ, ये फायर बॉल को डालो, ठीक है ना? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ अच्छा है? नहीं, और कुछ अच्छा नहीं है इस पर। ओके सर, लेट्स गो, यहाँ चलते हैं इस पर। ये और वगैरह तो ठीक है, लेकिन मेरे को 2 ऐसे कौन और चाहिए होगा, ठीक है? मैं ले लेता हूँ इन लोग को। अब ये काम करते हैं, और यहाँ पे जो एस्टिकॉन मैंने निकाले थे इन लोग को डाल देते हैं। मैं डाल नहीं सकता तो मेरे को इसको हटाना होगा, और किसको हटाऊँ,
और इस किसको हटाऊं, डुमुड़ को हटा दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, इन दोनों एस्टेगन को डाल दे रहा हूँ मैं। एस्टेगन जान दिमाग ख़राब ना कर मेरा प्लीज़, ठीक है। ये तो वैसे ही मेरा दिमाग का दही होके रखा है करेंटली, एकदम दिमाग काम ही नहीं कर रहा, कभी कभी रुक जा रहा है एकदम काम करने। एकदम डाल तो पाऊँगा नहीं इसमें, आई डोंट थिंक सो डाल पा रहा हूँ। एक सेकेंड, क्या गया अंदर? कुछ तो काम का गया था अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर पता नहीं, मेरे पे करेंटली पैल मेटल लेजेंडरी स्फीयर काफ़ी सारे हो गए हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा और निकालता हूँ पैल मेटल इंगोट को, एंड क्योंकि मेरे को लगेगा और भी, मतलब मैं लेजेंडरी स्फीयर मैं कम से कम 100 रखना चाहता हूँ अपने साथ, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा बना पाऊँगा मैं बनाऊँगा। 23 आ जा अनुबिस, बाहर आ जा, काम कर ली इधर, ठीक है। और गाइस ये नहीं चाहिए था मेरे को, मेरे को मेरा वॉन्डरिंग मर्चेंट चाहिए, प्लीज़ आ जा इधर, इधर आ जा। एंड मेरे को बेरीज चाहिए, दुनिया भर का बेरीज चाहिए मेरे को, ठीक है, समझ रहा है, दुनिया भर का बेरीज। ओके बढ़िया, वापस आ जा तू। वेट ए सेकेंड, मैं तो पूरा भारी हो गया हूँ। अरे भाई बीच में क्यों आ गया तू? जॉर्मनटाइड, जॉर्मनटाइड का एक ही चीज़ है कि उसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है, मैं बीच में आ जाता है एकदम। मैं इसको भी ग्रैपलिंग को भी यूज़ नहीं कर पाता हूँ। ऑल राइट गाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मोटा मोटी सारा प्रेपरेशन हो गया है, अभी बस वो लोग का ब्रीडिंग कराना है मेरे को, ढेर सारा ब्लैजमोट आर्मी क्रिएट करना है, एंड उसके अलावा तो और कुछ नहीं। मैं थोड़ा बहुत और लेजेंडरी स्फीयर बना लूँगा यहाँ पे, बना पा रहा हूँ क्या मैं अभी? और पैल मेटल इंगोट की कमी है बेसिकली, मैं वहाँ से लेके और ऑर्डर दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, तुम ही लोग के सामने कर दूँ, क्योंकि तुम लोग में से कुछ लोग हैं जिन लोग को शक होता है। ऑल राइट गाइस, तो मैं यहाँ पे और 700 लगा दिया हूँ लेजेंडरी स्फीयर। एंड देखो अब मेरा क्या है, एक ही चीज़ बचा हुआ है अब, और ये है कि नेक्स्ट वीडियो में एनी हाउ मैं हर हालत में एक फ्रॉस्ट टैलेंट पकड़ के लाऊंगा। उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूँ। अपना किडनी बेचना पड़े मैं बेच दूंगा, वेल वो इररिलेवेंट है, लेकिन तुम समझ रहे हो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसीलिए बस मेरे को थोड़ा मोटिवेट अगर तुम लोग कर सको तो इसी के लिए तुम लोग ओपीज इन द चैट कर दो आज के वीडियो पे। तो मैं सोच रहा हूँ तुम लोग से सीधा नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा सारे प्रेपरेशन कंप्लीट कर लेने के बाद, एंड सीधा हम लोग फाइट लेंगे उसमें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तुम लोग को तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑल पे सेट करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हो सकता है वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है वो वीडियो थोड़ा रॉ हो, माने मैं उसमें एडिटिंग ज़्यादा ना करूं, क्योंकि मैं जो होगा कोशिश करूंगा वो सब तुम लोग को दिखाने का, क्योंकि दैट विल बी सम काइंड ऑफ महाभारत बेसिकली, तो बहुत मैटर करेगा वो नेक्स्ट फाइट हम लोग का। तो ये अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो देख लीजिए, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। जय महाकाल।